यूनिकास्ट बिहेवियर ऑफ आरआईपी से आर1 राउटर के ऊपर जो आईपी एड्रेस है INTF 0/1, ये वाला आईपी एड्रेस masking is 2550.0, no shit. दूसरा आपके पास F0/0 INTF 0/0, no shit. और जो आई पी एड्रेस है दैट इज 1.1.1.1.2550.0.0. R2 सीरियल नहीं है, डीसी इंटरफेस नहीं है यहाँ पे, सारे फास्ट इथरनेट यहाँ पे, डीसी की कोई जरूरत नहीं है अभी. वी आर ऑन दी किसके ऊपर है, बीएमए टाइप नेटवर्क के ऊपर मौजूद है मैं अभी. किसकी? हाँ जी, कहाँ होगी, ज्यादा हो रहा है बस, ये 2 लैब खत्म करके छुट्टी करनी पड़ेगी. कॉन्फिक्टी पे आ गए. कॉन्फिक्टी पे आने के बाद देखें, राउटर ये है आपके पास आर, अच्छा आर टू राउटर इज नॉट इन दी डायग्राम, R3, R4 और R5. R3 पर आते हैं, कॉन्फिक्टी और INTF 0/0, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस है आपके पास R3 का 1.1.1.3. आईपी एड्रेस 1.1.1.3 2550.0.0.0. R4 पे आते हैं, कॉन्फिक्टी INTF 0/0 आईपी एड्रेस 1.1.1.4 2550.0.0.0, नो शिट. R5, 3 घंटे ज्यादा स्टैमिना नहीं होता भैया इनके वालों में पढ़ने का. आईपी एड्रेस खाना तो भाई मैंने भी खाया, मैंने वहां व्रत रखा हुआ है. मैं सुबह ही क्लास भी लेके पढ़ा रहा हूँ. खाने के बाद अगर 1 घंटे तक फोन में चुपचाप बैठे रहो तो इफेक्ट अलग हो जाता है. तो यहाँ से हमने आई पी एड्रेस डाल दिए हैं. कनेक्टिविटी 1.1.1.5 खुद अपने आप को पिंग करता है. 4 की से कनेक्टिविटी इससे होनी चाहिए. बीएमए टाइप नेटवर्क है, आर पर अप्लाई में टाइम मिल सकता है. और यहीं से आपके पास 3 को कम्युनिकेट किया है .3 बिटकॉइन, और 1 को किया, ठीक कनेक्टिविटी हो गई. अब क्या करना है, हर एक के ऊपर हमने क्या करने का, रिप को इम्प्लीमेंट करने का. रिप को इम्प्लीमेंट करें चाहे वर्जन करें, 1 करें या 2 करें. तो राउटर आर आई पी रिप और नेटवर्क 10000, ये 4 पे करना है. एग्जिट राउटर आर आई पी रिप नेटवर्क 10000 3 पर. एग्जिट राउटर आरआईपी नेटवर्क 1000. आर1 राउटर पे आते हैं, इस आर1 राउटर के ऊपर एग्जिट राउटर आरआईपी नेटवर्क 1000. अब यहाँ से अगर हम देखेंगे 10 का नेटवर्क ऑर्डर है, यहाँ पे नेटवर्क 10000. ये आपके पास 3 वाले राउटर्स में भी आना चाहिए, इस 3 में ही पहुंचना चाहिए, 4 में भी, 5 में, इन सब में आना चाहिए. तो 3 पर अगर हम देखते हैं शो आईपी राउट आरआईपी, 4 में शो आईपी राउट आरआईपी, और 5 में भी शो आईपी राउट आरआईपी. मैं लिखवा रहा था किसी में भी आप देखेंगे 3, 4, 5 के अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 के अंदर, 5 में भी नेक्स्ट स्टॉप यही है, 4 में देखते हैं यही नेक्स्ट स्टॉप है, 3 में देखते हैं यही नेक्स्ट स्टॉप है. हमारा एम क्या, सिर्फ भेजना है किसको, R5 को. तो यहाँ पे R1 पे अगर कमांड चलाते हैं अभी debug IP, तो अभी तो ये सबको भेज रहा है. किसको भेजा है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू. ब्रॉडकास्ट के थ्रू अगर सेंड करेगा किसके ऊपर, हमने इसके ऊपर देखा यहाँ पे इसने सेंड किया, तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू करेगा. ब्रॉडकास्ट के थ्रू करेगा तो क्या, यहाँ पे सारे वर्जन 1 चल रहा है और एक फॉरवर्ड वाला है, ये सारे के सारे रिसीव कर लेंगे. हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फिक्टी पे जाने का है. कॉन्फिक्टी पे जाने के बाद राउटर रिप में जाने का है, और यहाँ लिखने का है पैसिव इंटरफेस, किसको
फास्ट ईथरनेट को F0/0। अब अगर हम चलाते हैं तो इसने सब जगह भेजना बंद कर दिया, और इसको भी पैसिव इंटरफेस करते हैं F0 को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि भाई कि वो भेज तो रहा है, इधर भी पैसिव लगा दिया, क्योंकि हमारा पर्पस तो यहाँ पे देखने का। डीबग आई परिप कमांड चलाते हैं, इसने कहीं नहीं भेजने का, बड़ी स्लो चल रही है। ला के बैठते हैं, वेट करें थोड़ा सा, अभी एंटर नहीं किया है फिलहाल, और इंतजार करें। और इंतजार किया जाए, नहीं हो गया, एंटर किया। अब किसको भेजेगा? सिर्फ 5 को भेजेगा। 5 का नाम है सेंडिंग टू 5, नाम लेकर भेज रहे, तो किसी को नहीं जाएगा। बट दूसरों की राउटिंग टेबल में भी पड़ा हो सकता है। शो आईपी राउट कमांड चलाया, अरे राउटिंग टेबल में एक राउट मौजूद है आपके पास, शो आईपी, अचार होने हैं, तो R5 में जाते हैं। R5 का टाइमर अगर हम देखें तो रिफ्रेश होना चाहिए थोड़ी देर में, 0 हो गए, रिफ्रेश हो गए। बट R4 में अगर जाते हैं शो आईपी राउट विथ के अंदर, तो यहाँ तो 1:56। R3 में जाते हैं, यहाँ पे 2:01, यहाँ पर जाते हैं शो आईपी 1 के ऊपर। अच्छा 3 में चेक कर लिया, 3 में आपके पास, 3 में और इसमें, तो 5 का रिफ्रेश हो रहा है, दोनों का रिफ्रेश नहीं हो रहा, बिकॉज राउट इज नॉट कमिंग, बिकॉज किसी एक के नाम से आ रहा है 5 की। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 और के ऊपर क्लियर आईपी राउट स्टार कमांड चला देंगे, उसके बाद ही चलाएंगे तो कोई राउट यहाँ मौजूद नहीं होगा। 4 पे क्लियर आईपी राउट स्टार, यहाँ पर भी कोई रूट मौजूद नहीं होगा। कितनी देर बैठे हैं, बिकॉज यहाँ रूट नहीं आ सकता, बिकॉज इसका नाम लेके हमने लिखा ही नहीं। और इसको अगर हम जाते हैं R5 को, इसका राउट रिफ्रेश हो रहा है, फिर रिफ्रेश हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर देखते हैं यहाँ रिफ्रेश हुआ तो वहाँ पे भी जाना चाहिए, यहाँ आ चुका है बट यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। तो ये हमने कर लिया यूनिकास्ट बिहेवियर ऑफ RIP, जो कि ये वाले लैब था, प्रीवियस वाला, पहला वाला लैब। इसका एक लैब करेंगे जो कि अगले वाले के अंदर है।